अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमपी पाठशाला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं 2023-24 के लिए 8 क्लास हिंदी के। तो हम देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो इंपॉर्टेंट 20 चूज द करेक्ट ऑप्शन है और 20 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आप इनको जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम हॉल में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के माई वीडियो। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया है, चेचक फैलाने पर ग्रामवासियों को बिरसा मुंडा के विरुद्ध किसने भड़काया था? तो ओझाओं ने। सेकंड है, रक्षक का विलोम शब्द कौन सा है? भक्षक। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है और ये आपको ग्रामर में भी दे सकते हैं कि रक्षक का विलोम क्या होगा, भक्षक। मोहन के पूर्ण स्वस्थ होने पर में कौन सी बात प्रमुख थी? ममता। वृद्ध किसान के चरित्र की कौन सी विशेषता नहीं है? लालची। डॉक्टर हरि सिंह गौर इनमें से क्या नहीं थे? गायक नहीं थे। सिक्स थे, आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है सफलता प्राप्त करने के लिए? फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, जाऊं कहां तजी चरण तिहारे पद के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। प्रश्न नंबर 8 है, ज्योतिष विज्ञान का संबंध किससे है? ग्रह नक्षत्रों से। 9th है, व्यवहार से विनम्रता कैसे आती है? मीठी वाणी से। हेमलम्ब, प्रश्न नंबर 10 है, हेमलम्ब किसका नाम है? सत्सर का। विहग वृंद का आशय है पक्षियों का समूह। फिर है, धुआं धार किसका नाम है? जलप्रपात। महेश्वर के नाम से क्या प्रसिद्ध है? किला। सही वर्तनी कौन सी है? इनमें से आपको बताना है कौन कौन सी। तो सही वर्तनी है स्वतंत्रता, इस तरह से लिखा जाता है, मतलब सही स्पेलिंग स्वतंत्रता की क्या है, सही वर्तनी शुद्ध कीजिए, मतलब होता है कि गलत स्पेलिंग लिखिए आप उसको सही करके लिखिए, तो स्वतंत्रता ऐसे लिखा जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 15, त्रिकोणासन से ग्रीवा की स्थिति कैसी होती है? त्रिकोणीय। लेखक ने किसे संजीवनी कहा है? संगीत को। फिर प्रश्न नंबर 17 है, अजायब घर का समानार्थी क्या है? संग्रहालय। प्रख्यात संतूर वादक थे अली खां, अलाउद्दीन खां। फिर प्रश्न नंबर 19 है, पंचवटी शब्द में समास है दीकु समास। प्रश्न नंबर 20 है, किस आसन की आकृति बैठे हुए खरगोश जैसी होती है? शशकासन। अब इसके बाद है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट इसका, महादेव शिव से प्राप्त परशु का नाम विद्युत भी था। प्रश्न नंबर 2 है, तन्मयता शब्द में क्या तापिरता है? तापिरता है। चेती चांद पर भगवान झूले लाल की जयंती के रूप में मनाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, 19-20 शब्द युग में है। प्रश्न नंबर 5 है, जीवन में सफलता प्राप्त करने का सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र आत्मविश्वास है। फिर सवाल नंबर 6 है, कमल का पर्यायवाची नीरज। राजनीति शब्द में इक प्रत्यय, राजनीतिक में प्रत्यय क्या है? इक। प्रश्न नंबर 8 है, संसार रूपी शत्रु को धर्म रथ पर सवार होकर जीता जा सकता है। प्रश्न नंबर 9 है, संदीप के भाई का नाम कुलदीप था। फिर जो मार्गदर्शन करता है उसे मार्गदर्शक कहते हैं। असहाय बच्चों को देख माँ ममत्व जाग उठा। आकाश का पर्यायवाची नभे। शास्त्र शब्द का अर्थ ग्रंथ धर्म ग्रंथ है। माँ शब्द के प्रयोग से भारत माँ की ओर संकेत किया गया है। रात का पर्यायवाची रजनी है। छोकरा शब्द का अर्थ क्या है? लड़का। लेखिका शिवानी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कलुष भेदतम हर प्रकाश भर। पाटलिपुत्र नगर नंद मौर्य और गुप्त सम्राटों की राजधानी रहा है। महेश्वर की खुदाई में पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं प्राप्त हुई। तो ये हमारा कंप्लीट हो गए हैं इंपॉर्टेंट MCQs, आप इनको जरूर लर्न कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इस तरह के वीडियोस के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और क्लिक बेल आइकन ऑल्सो। अल्लाह हाफिज़।